हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विशाल एंड वेलकम टू मिस्टर धवना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले सिंक्रोनस मोटर के ऊपर, और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हो, और अगर आप इसे जनरेटर के रूप में यूज़ लोगे तो ये कितना वोल्टेज निकाल देगी आपके लिए, और इसके कुछ बातें भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, और आपको लगता है कि चैनल पर आपको कुछ समझ में आया और कुछ अच्छा लगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने अभी कल एक गिव वे किया था, कल वाली वीडियो में तो गिव वे रखा था ये वाला, तो इसका जो सही आंसर दिया है हमारा विकास मिश्रा जी ने, ये इसका सही आंसर दिया है और सबसे पहले दिया है। तो ये जो हमारे गिव वे जीत चुके हैं, और इन्होंने से मैंने व्हाट्सएप पे बात कर ली है, और इनका कॉन्टैक्ट और इनका एड्रेस वो ले लिया है मैंने, तो इनको मैं कुछ दिन में भिजवा दूंगा इसको। तो फ्रेंड, जो सिंक्रोनस मोटर है ये जो देख सकते हो, इसका मॉडल नंबर 49TD500 सिंक्रोनस मोटर है ये, और ये जो मुझे 100 रुपये में मिली है फ्रेंड मार्केट से नोकल, और इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग में रेटिंग है 120 रुपये की। और फ्रेंड, ये जो है एसी करंट पे चलती है, 220 से 240 वोल्ट इसमें देने पड़ता है हमें, ये डीसी पे नहीं वर्क करती है, बैटरी से नहीं चल सकती है, इसे डायरेक्ट हमें कनेक्शन देना होता है। और फ्रेंड, ये 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक चलती है, और इसकी जो आरपीएम फ्रेंड मेरे पास जो मोटर है इसकी 5 से 6 आरपीएम है, और ये जो मोटर है 4 वाट की मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत सारी टाइप्स की आती है, इसमें छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, और ये जो मोटर है फ्रेंड्स इसका 5 से 6 आरपीएम का मतलब कि 1 मिनट के अंदर ये 5 से 6 बार राउंड घूमेगी, इसकी जो शाफ्ट है वो 5 से 6 बार गोल गोल घूमेगी 1 मिनट के अंदर, मतलब काफ़ी स्लो है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताऊँगा इसका यूज़ कहाँ पर कर सकते हो और कहाँ पर होता है इसका यूज़। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें आपको चला के दिखा देता हूँ कि किस टाइप से चलती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं इसे एक्सटर्नल बोर्ड से सप्लाई दे रहा हूँ 220 वोल्ट की डायरेक्ट, तो ये दोनों वायर जो है मैं इसमें लगा देता हूँ, और आपको कोई एडाप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 220 वोल्ट से आप इसे चला सकते हो इसे, और ये मैंने इसमें लगा दिया है पिन। तो जैसे ही इसमें मैं पिन लगाता हूँ फ्रेंड, तो ये हमारी चालू हो चुकी है, और जैसे देख सकते हो इसकी शाफ्ट ये राउंड घूमने लगी है। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो है, तो मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ इसको, जैसे देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, लगभग 1 मिनट के अंदर 5 से 6 राउंड घूमेगी, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी सारी फ्रेंड्स। और फ्रेंड, ये मोटर स्लो नहीं घूमती, इसके अंदर गियर बॉक्स होता है जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, और इसका टॉर्क है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इसको खोल के भी दिखा दूंगा, इसका गियर बॉक्स किस टाइप का होता है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा किस टाइप से क्या होता है। तो फ्रेंड, इसकी शाफ्ट में मैं एक यहाँ पर एक रोड दिखा देता हूँ आपको कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, तो इस टाइप से देख सकते हो काफ़ी कम स्पीड है। तो फ्रेंड, आप बोलोगे इसकी इतनी कम स्पीड है तो इसका यूज़ कहाँ पे लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा कूलर होता है गर्मियों में हम चला, और उसके जो हमारे आगे की फंकुड़िया होती है जिसमें लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे हम जो उसकी हवा को मोड़ते हैं, तो उसके अंदर इस टाइप की जो एक मोटर लगी होती है छोटी वाली, वो ये वाली मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर। और फ्रेंड, जैसे देख सकते हो आप वीडियो में कि अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो इसके लिए कोई स्विच लगाने की जरूरत नहीं होता है, जो इसकी शाफ्ट घूम रही है इसे घूमने से रोक दीजिए जिस साइड में घूम रही है, और ऑटोमेटिक इसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसे क्लॉकवाइज घूमने से रोक दीजिए, ऑटोमेटिक ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमना चालू कर देगी, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है इसको, इसकी जो मूवमेंट को उसको रिवर्स में या फिर फॉरवर्ड में करना, तो इस टाइप से आप इसे चेंज कर सकते हो। और फ्रेंड, इसकी टॉर्क की बात कर ली जाए तो इसका टॉर्क ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, लगभग 300 से 500 ग्राम का इसका टॉर्क है, मतलब ये जो ताकत लगाती है 300 से 500 ग्राम के बीच में ही ताकत लगा रही है, ज़्यादा ताकत नहीं है। अगर इसको ज़्यादा अपन रोक देते तो उल्टी साइड में घूमना स्टार्ट कर देती है, तो ये हमारा ज़्यादा वर्क तो नहीं कर सकती है, मतलब आप सोचो कि इसके स्क्रू ड्राइवर मशीन बना के यूज़ में ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रू ड्राइवर बनाओगे इसका तो ये वर्क नहीं करेगी उसके अंदर। तो फ्रेंड, अब इसका हम जनरेटर के रूप में यूज़ करेंगे तो क्या होगा इसका अपन वो भी देख लेंगे। तो इसके हम क्या करेंगे, शाफ्ट को घुमाएंगे हाथ से और इसमें आउटपुट देखेंगे कितना ये देता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। तो जैसे देख सकते हो ये 2 वायर निकले हुए इसके अंदर फ्रेंड्स, और ये जो है फ्रेंड्स एसी करंट पे ही चलती है, तो एसी हमें आउटपुट भी देगा। तो यहाँ पर मैं एक मल्टीमीटर ले रहा हूँ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये जो मल्टीमीटर है फ्रेंड्स क्या हुआ, इसके अंदर गिरने के कारण जो एसी करंट ये हमारा शो नहीं करता है, ख़राब हो चुका है थोड़ा बहुत, तो ये डीसी ही बताएगा, और ये जो हमारे मोटर है ये एसी करंट निकालेगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक इसके बीच में ब्रिज रेक्टिफायर लगा दूंगा, एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाऊंगा जिससे हमारा जो एसी करंट है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो रहा है वो डीसी में इसका सप्लाई दे देगा। अगर आप चेक करते हो फ्रेंड्स तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मल्टीमीटर मेरा ख़राब हो रहा है इसलिए मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर। और ब्रिज रेक्टिफायर का काम ये होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है ये, और यहाँ पर हमें डीसी की ज़रूरत है क्योंकि हमारा मल्टीमीटर है थोड़ा ख़राब हो रहा है इसलिए। तो मैं यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा देता हूँ,
और फ्रेंड अगर आपको ये बनाना नहीं आता है बीच रेक्टिफायर, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, आराम से आप देख सकते हो वीडियो और घर पे बना सकते हो इसको। तो ये मैंने ऑन कर दिया फ्रेंड्स, और आपको ध्यान रखना है मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर। मैं इस मोटर को घुमा रहा हूँ यहाँ पर एक शाफ्ट में रोड लगाकर, तो आप ध्यान रखिए कितना वोल्टेज निकाल देता है ये। तो जो देख सकते हो मैं इसको बिल्कुल स्लो घुमा रहा हूँ और ये हमारा वोल्टेज निकालना चालू हो चुका है इसमें, और काफ़ी अच्छा वोल्टेज निकाल रही है फ्रेंड्स। जैसे देख सकते हो आप ये लगभग 60-70 आसपास निकाल रही है बहुत कम स्पीड पर घुमाने पर भी। तो मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ यहाँ पर धीरे धीरे, और आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पर ध्यान रखिए कितना वोल्टेज ये अप कर रहा है यहाँ पर। तो जैसे देख सकते हो 200-250 वोल्ट के आसपास इसने निकालना चालू कर दिया, 300 तक पहुँच चुका है फ्रेंड्स ये, 350 और 370। और फ्रेंड यहाँ पर काफ़ी स्पीड से इसे घुमाना पर ये 400 पे निकाल रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप 431 इसने निकाल दिया है फ्रेंड्स हाईएस्ट। और अभी और भी सही स्पीड से घुमाऊंगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, तो इस देख सकते हो फ्रेंड्स 437-480 के आसपास इसने निकाल दिया था फ्रेंड्स। इसका जो हाईएस्ट है वो 480 तक इसने निकाल दिया, मैंने फुल स्पीड में से हाथ से घुमाया है, तो 486 पे पहुंच चुका है, काफ़ी अच्छा वोल्टेज निकाल रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसका जो वोल्टेज है हम इसके बाद इसका चेक करेंगे एक बल्ब लगाकर। तो ये जैसे एलईडी बल्ब है मेरे पास, अब इसे डायरेक्ट हम लगा के देखते हैं ये वर्क करता है या फिर नहीं करता है। तो इस टाइप से मैं डायरेक्ट एलईडी बल्ब जो है मेरे पास उसको यहाँ पर ग्लो करवा के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर 220 वोल्ट से 230 वोल्ट इसमें चाहिए हमारा, और 9 वाट का ये बल्ब है हमारा एलईडी का, तो इसमें लगा दिया मैंने। अब मैं इसे डायरेक्ट लगा के देखता हूँ, तो ये मैं इसके शाफ्ट घुमाता हूँ और देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। तो फ्रेंड जैसे देख सकते हो ये जो हमारा एलईडी बल्ब है ये हमारा ग्लो कर रहा है अच्छे से हमारी जो मोटर है उसके द्वारा, तो और ये डायरेक्ट ही ग्लो कर रहा है फ्रेंड्स, इसके बीच में मैंने कोई सर्किट नहीं लगाया है, ये डायरेक्ट ही ग्लो कर रहा है इसके द्वारा, कोई सर्किट नहीं है, कोई बूस्टर नहीं लगाया मैंने, कोई वोल्टेज बूस्टर नहीं लगाया है यहाँ पर अभी, और ये डायरेक्ट इस पर लग रहा है। तो फ्रेंड इसके बाद हम यहाँ पर एक 15 वाट का बल्ब लगा के देखते हैं, जो लट्टू होता है फ्रेंड्स ये इसके अंदर, तो लगा के देखते हैं और इसे ये चलता है या फिर नहीं चलता है, तो इसको घुमाते हैं। तो फ्रेंड जैसे देख सकते हो ये जो लट्टू है हमारे इसमें वर्क नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड इसका कारण ये है कि इसका जो एम्पियर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, ये वोल्टेज तो लगभग 450-450 वोल्टेज निकाल रहा है लेकिन इसका एम्पियर काफ़ी ज़्यादा लो है, जिसके कारण ये इस बल्ब को नहीं चला पा रहा है। तो फ्रेंड अगर इसको चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक वोल्ट एम्पियर बूस्टर इसमें सर्किट बना के लगाना होगा, जिसके कारण ये इस बल्ब को भी चला देगा। तो फ्रेंड्स उसके ऊपर मैं कुछ सर्चिंग करूँगा और उसके बाद इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अगर मेरे को मिल जाता है वो एम्पियर बूस्टर का कुछ सर्किट तो मैं बना के डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। और फ्रेंड अगर आप पूछते हो कि ये करंट का झटका मारेगा या फिर नहीं मारेगा, तो फ्रेंड 100% आपको झटका लगेगा अगर आप वायर को दोनों हाथ में लेकर और उसकी जो शाफ्ट घुमाते हो, तो आपको 100% झटका लगेगा, क्योंकि फ्रेंड ये 400 वोल्ट तक हमारा निकाल रहा है, बस इसका एम्पियर कम है लेकिन ये वोल्टेज तो निकाल रहा है ना फ्रेंड्स, तो आपको झटका जरूर लगेगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फ्री है, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय एवरीबॉडी।